एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। और अब बड़ी खबर गोरखपुर से। लव जिहाद का यह पहला मामला दर्ज हुआ है। रिटायर्ड सैनिक ने युवक पर नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। पहचान छिपाकर फेसबुक पर दोस्ती करने का आरोप लगाया। लव जिहाद कानून के तहत अब मामला दर्ज हुआ है। आरोपी को पकड़ने यूपी पुलिस कर्नाटक रवाना हो गई है। एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण का आरोप लगाया। पहचान छिपाकर फेसबुक पर पहले दोस्ती की और उसके बाद किस तरह उसको अपने जाल में फंसाया। लव जिहाद कानून के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। नीरज श्रीवास्तव से इस पर अपडेट लेते हैं। नीरज, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस कर्नाटक रवाना हो गई है, कोई सफलता मिली अभी तक पुलिस को उसमें? जी बिल्कुल, आपको बता दें आस्था कि अभी पुलिस रवाना हुई और युवक की तलाश की जा रही है। 4 तारीख का ये मामला है जब पिता अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, उसके बाद से ही उसका कहीं पता नहीं चलता है। और जब उन्होंने काफी पड़ताल की पुलिस में, जब वो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद पता चला कि एक युवक जो जिसने अपना नाम और पहचान छिपाकर इन एक साल तक जो है फेसबुक पर दोस्ती की नाबालिग किशोरी से, और उसके बाद उसको अपने जाल में फंसाया और 4 तारीख की घटना है, वो उसको लेके अपहरण करके उसे लेकर फरार हो गया। और तब से ये आला अधिकारियों से इन्होंने मुलाकात की और ये लव जिहाद का केस दर्ज कराया। इसके साथ पुलिस ने अपहरण का भी केस दर्ज किया है और लगातार युवक की और उसकी किशोरी की जो है तलाश में पुलिस लगी हुई है। और जल्द ही पुलिस के आला अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि जल्द ही आरोपी को वे गिरफ्तार कर लेंगे। आस्था, तो पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन गोरखपुर में ये पहला लव जिहाद का मामला है, केस दर्ज हो गया है और आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम कर्नाटक भी रवाना हो गई है। उधर मेरठ में 3 तलाक का मामला सामने आया है। बेटी पैदा होने पर पत्नी को तलाक दे दिया उसके शौहर ने। ससुराल जाकर पति ने 12 साल बाद तलाक दिया। पत्नी ने मारपीट करने का भी आरोप लगाया। मामले की जांच की बात कर रही है पुलिस, लेकिन इस महिला ने बेहद संगीन आरोप लगाया कि उसके शौहर ने उसे इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसके यहाँ बेटी पैदा हुई। इतना ही नहीं, वो उसके साथ मारपीट भी करता था। शादी को 12 साल बीत चुके हैं और ससुराल जाकर उसके शौहर ने उसको 3 तलाक दे दिया, जो कि कानूनन जुर्म है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। हमारे यहाँ थाना लिसाड़ी गेट में गली नंबर 2 अहमदनगर है, जहाँ पर एक महिला का आरोप है कि उसका पति बेटियाँ पैदा होने के पश्चात इस तरह का आरोप लगाया कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसको 3 तलाक दे करके उसको अपने मतलब संबंध को विच्छेद कर दिया है। इस तरह की तहरीर एक प्राप्त हुई है। उस महिला की इस तहरीर पर हम लोग अभी जाँच करा के उसमें विधिक कार्रवाई करा रहे हैं। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।